देखो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर है 9 और इसके बाद एक और क्वेश्चन है और खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन है कि एबीसी एक समलंब है, मतलब एबीसीडी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो हम लोग सबसे पहले आकृति बना लेते हैं एबीसीडी का कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, साथ ही जिसमें बोला गया है कि ए बी पैरेलल है डीसी के, इसलिए हमने ऐसा फिगर ड्रॉ किया और नाम भी इस तरह से रखा कि इसमें ए बी पैरेलल है डीसी के तथा इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें दर्शाना है कि ओ ए बाई ओ बी का जो रेशियो है वह ओसी बाई ओडी के रेशियो के इक्वल है, यह बात हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कुछ लिखते हैं क्या चीज, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें हमें पता है कुछ बात, जिसमें हमें क्या पता है कि ए बी जो है वह पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, यह पता है हमें कि ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, तथा विकर्ण एसी कॉमा बीडी को ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि सिद्ध क्या करना है। तो हमें जो सिद्ध करना है वह बात लिख देते हैं, सिद्ध करना है यानी कि टू प्रूफ, हमें सिद्ध क्या करना है कि एओ बाई बीओ जो है वह इक्वल है सीओ बाई डीओ के, यह बात हमें प्रूफ करके दर्शाना है, दिखाना है, आसान है, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग यहां पे कुछ करेंगे रचना के तौर पे, कंस्ट्रक्शन के तौर पे, और क्यों करेंगे हमें अभी पता चलेगा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें लाना है रेशियो और रेशियो लाने के लिए हम लोगों को ट्रायंगल को ले जाना पड़ेगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस कहते हैं थेल्स के अकॉर्डिंग, थेल्स प्रमेय में हम लोग देखो ये चीज पढ़े थे ना, अगर देखो ये ट्रायंगल में जिक्र करते हैं तो बोलेंगे ये बाई ए इज इक्वल टू ये बाई ए, और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का रिक्वायरमेंट है, ओ ए का रिक्वायरमेंट है, रेशियो का रिक्वायरमेंट है, तो इसका नाम कुछ दे देते हैं हम लोग, ई और एफ नाम दे देते हैं। तो हम लोग रचना में क्या करते हैं, रचना में लिखते हैं क्या चीज कि EF रेखा इस प्रकार खींचा कि वह O से होकर जाती है, देखो ना EF रेखा इस प्रकार खींचा कि वह O से होकर जाती है तथा एबी और सीडी के समांतर है यानी कि पैरेलल है, यह हमने कंस्ट्रक्शन किया। एक लाइन ईएफ ऐसा खींचा कि वह ओ से होकर गई, साथ ही साथ यह लाइन सीडी के भी पैरेलल है और यह लाइन एबी के भी पैरेलल है, यह हमने किया। अब देखो प्रमाण के तौर पे हम लोगों के पास बहुत सारा गवाह है, हम चलते हैं इन ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज ए डी सी में। अब ए डी सी त्रिभुज में हम लोग देख पा रहे हैं ये लाइन के पैरेलल है, तो बोल सकते हैं क्या चीज की ईओ समानांतर है, पैरेलल है किसके, डीसी के। जब ऐसा बात आता है हम लोग लगा देते हैं थेल्स प्रमेय, तो बोल सकते हैं हम लोग थेल्स प्रमेय से क्या बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय से ए बाई ईडी इज इक्वल टू एओ बाई ओसी के, एओ बाई ओसी के इक्वेशन आ गया अपना फर्स्ट। अब हम लोग जो सेकेंड स्टेट लेते हैं यहाँ के बाद, उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे हम लोग, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा विशेष नहीं, हम लोग कॉमन पार्ट ये इसको लेके चलेंगे और इसको गैप करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये चीज यहाँ प्रेजेंट है प्रेजेंट क्या, तो इसको गैप करने की हम कोशिश नहीं करेंगे, ये एक्स्ट्रा बात, ऐसा कहीं भी इसका रोल नहीं है, इसको हम लोग गैप करने की कोशिश करेंगे, यानी ऐसा कॉमन पार्ट हम ढूंढने की कोशिश करेंगे फिर से ट्रायंगल में, और हम लोग ऐसा ढूंढने में सफल होंगे तब जब हम लोग चलेंगे इस ट्रायंगल में, तब
अब हम लोग क्या चलते हैं, नाउ अब हम लोग चलते हैं किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल डी बी या बोल सकते हैं डीबीए में ट्रायंगल डीबीए में हम लोग क्या फिर से देख पाएंगे क्या चीज, कि वही बात कि ईओ जो है वह पैरेलल है एबी के, किसके पैरेलल है एबी के भी पैरेलल है, और यहां भी लगा देंगे इसलिए थिल्स प्रमेय से या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थिल्स प्रमेय से हम कुछ बात बोल पाएंगे, फिर से बोलेंगे क्या कि देखो AE by ED बोल पाएंगे ना, AE by ED, AE by ED जो होगा वह इक्वल होगा BO by या OB by OD के, OB by या BO, BO by इसके DO के, BO by DO के बोल पाएंगे, इसे इक्वेशन हम लोग मान लेंगे सेकंड। अब प्रॉब्लम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देख रहे हैं, ये टर्म यहाँ भी और ये इक्वल हो सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण एक और समीकरण दो से, बहुत बेहतरीन निष्कर्ष तक पहुंच पाए हम लोग कि लिख सकते हैं क्या चीज, OA by OC, OA by OC is equal to, OA by OC को हम लोग CO लिख ले तो ज्यादा सूट करेगा यहाँ, ठीक है, इज इक्वल टू बीओ बाई ओडी, बीओ बाई सॉरी डीओ, डीओ और एओ तो एज इट इज, अच्छा ये एओ, ठीक है। अब देखो सेम चीज दिख रहा है, बस फर्क क्या है, स्थान का हेरा फेरी है, तो कर देंगे फिर हेरा फेरी, तो क्या करते हैं देखो यहाँ पे बहुत आसान चीज है, एओ ये यहां से यहां आया, बाई चला गया बीओ, इज इक्वल टू ये यहां से रिप्लेस होकर यहां चला गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर ये आ गया सीओ बाई डीओ, और यही बात शायद रुक्ड भी करना था हमें और आ भी गया है, चलिए इसको कर लो नोट,